प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में बैंक द्वारा रिश्वतखोरी का मामला सामने आने के बाद बैंक प्रबंधन से लेकर शासन तक हड़कंप मच गया है। मामला पंजाब नेशनल बैंक का है। बता दें कि विश्वकर्मा जयंती की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्यमियों को न केवल सम्मानित किया था बल्कि लाभार्थियों को चेक का वितरण भी किया था। इस कार्यक्रम में लखनऊ की नीरू तिवारी को भी बुलाया गया था। नीरू को प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत पंजाब नेशनल बैंक से 9.5 लाख रुपए का लोन स्वीकृत हुआ था। नीरू को प्रतीकात्मक चेक भी दे दी गई थी। बैंक की ट्रांसपोर्ट नगर शाखा के मैनेजर ने स्वीकृत लोन 9.5 लाख का भुगतान करने के बदले महिला से 1.25 लाख रुपए की रिश्वत वसूल ली और उसे लोन भी नहीं दिया। कार्यक्रम के दौरान नीरू का दर्द पीएनबी के महाप्रबंधन के सामने फूट पड़ा था तो वह काफी असहज हो गए। सबसे गंभीर बात थी कि जब मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से संबंधित लाभार्थी का बैंक अधिकारियों ने यह हाल किया है तो दूर दराज के इलाकों में क्या क्या होता होगा। इस शिकायत के बाद बैंक प्रबंधक ने कार्रवाई के डर से नीरू तिवारी को बुलाकर शनिवार की देर रात ट्रांसपोर्ट नगर शाखा खोलकर न केवल नीरू तिवारी का खाता खोला बल्कि आनन फानन में लोन की रकम भी उसमें ट्रांसफर कर दी। अपने एक शाखा प्रबंधक की इस शर्मनाक हरकत से हैरान पीएनबी के महाप्रबंधक ने सख्त कार्रवाई करते हुए शाखा प्रबंधक को निलंबित कर दिया है। साथ ही मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई गई है। उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने के बाद घूस लेने वाले अफसर को न केवल एक एक पैसा लौटाना पड़ेगा वहीं संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। खबर आपकी नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।